आइटम है यार। डॉक्टर मेरी जान, डॉक्टर भाई है तो मॉडल कहा मैडम, जब होगा कहा बॉम्ब है यार। देखी मिर्चे ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दे। ओए भाई मेरी पिल्लर रानी, गरम मसाला है यार, चटकी जवानी। क्या फिगर है जानेमन? 36, 24, 36। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। चलने आती कब्र में पाँव लग गया और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। अरीब अरीब बिटिया, अच्छा उम्र में कहाँ रखा है भाई, और अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरे? है ना, घर में माँ भी है और दो बहनें भी, लेकिन अपनी माँ बहनों को छेड़ता है क्या? और आज तो हम इसे छेड़ेंगे। हेलो दिया बच्चा मिस्त्री, सो मच लो, आप तो पूरा ही मान गई, गरम मसाला ही तो कहा था, और आप तो भी हो। परेशान किया तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप वो ही इतनी खूबसूरत क्यों आई हो? मैडम है भी तो राजौरी आवे तो से बर्तने देख के चली जावे से। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे रहते हो, फिर ये छिछोड़ा पन क्यों? भाई हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? मैडम जी ने तो घड़े अंग्रेजी की टांगी तोड़ दी। एक मिनट मैडम जी, भाई वीडियो बनाइयो। आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले, छेड़खानी करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह लड़कियों को, औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़की को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि उसको पैदा ही न होने दिया जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए, तुम आज ही अस्पताल जाओ, इस बच्ची को गिरवा कर आओ। नहीं मैं अपनी बच्ची नहीं मारूंगी। अच्छा तुम अपनी बच्ची नहीं मारोगी, अपने पति की बात नहीं मानोगी, तो ठीक है आज इसे मैं ही खत्म कर दूंगी। I'm sorry.
मार दिया जाता हो। ऐसा समाज जहां पर लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में। ऐसा समाज जहां पर लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जिंदा जलाया जाता हो। ऐसा समाज जहां पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो मैं तुम्हें पहले भी कई बार इग्नोर कर चुकी हूँ और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर आप मुझे परेशान किया ना, मैं तुम्हारी कंपनी अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो ठीक है मैं ना तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ। तुम्हारा ना परमानेंट मेकअप कर देता। किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काट देना हमारे समाज में, हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसलिए उनके साथ बलात्कार होता है, इसलिए उनके साथ छेड़खानी होती है, यौन हिंसा होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि उस 2.5 साल की छोटी बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, या फिर 70 साल की बूढ़ी औरत, उसने किसको उकसाया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक अंकुश लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस, ट्रेन, मेट्रो, मॉल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश करता है तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी लड़की या महिला पर कमेंट पास करने से पहले एक बार ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसके एक मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसर क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देने को तैयार नहीं है, आखिर क्यों? क्या हम सब ने कभी सोचा है कि हम मर्दों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना डरती और कितना सहमती है लड़कियां? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तुझे बहुत पसंद है ना? आज छोटी वाली लाया हूँ, कल
इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। NCR और पूरे भारत में इस तरह की यौन हिंसा की घटनाएं रोजाना घटती हैं। हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। इस देश में 25 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इस सब का जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। यदि आपका घर, स्कूल, कॉलेज, कैंपस, कहीं भी किसी भी लड़की के व्यवहार में जरा सा भी परिवर्तन नजर आता है तो बात करें उससे, उसे नजरअंदाज ना करें। यदि कोई भी लड़की आपसे किसी की भी शिकायत करे तो उसकी बात को सुने, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, कहीं पर भी किसी भी औरत के साथ मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या फिर यौन हिंसा हो रही हो तो ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उनके मामलों में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि दुपट्टा कैसे लेना है, ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी, बराबरी कैसे दी जाती है? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से बहुत ज्यादा जरूरी है अपने घरों में बेटों को समझाओ कि अगर बेटे समझ गए तो बेटियां पढ़ भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। 1947 में आजादी सिर्फ मर्दों को नहीं मिली थी, संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर के अधिकार दिए थे, तो फिर मर्द कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दूंगा? मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे ऐसे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े।
पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े और नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ पक्ष निकलता है और इसी से उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का, इसी से उसे हिम्मत मिलती है आगे बढ़कर नए अपराध करने की। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को, औरतों को एक बेहतर, एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते क्या? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने घरों से करनी होगी। हम सब अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे या फिर कठुआ जैसे हादसों का इंतजार क्यों करते हैं? क्या हम सब समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने के बारे में सोचना भी क्राइम माना जाए? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, दस्तक दीजिए उनकी सोच पर, दस्तक दीजिए उनके जहन पर। हम सब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी दस्तक दें और ये दस्तक आखिरी दस्तक होनी चाहिए कि बस आउट, बहुत हो गया, कि नाउ इट्स एनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या आप सबको? मंजूर है क्या आप सबको? अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। जिंदा है जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। नमस्कार, अभी जो आपने नाटक देखा उसका नाम है दस्तक और इसका निर्देशन किया है श्री अरविंद गौर सर ने। हमने एक प्रस्तुति की है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमने दिखाया वो कोई भी कुछ भी कहना चाहे, जो दिखाया है सही दिखाया है होता है, कोई कुछ भी कहना चाहे। इन अ बेस्ट वे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पीयूष जी का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये नाटक करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अस्मिता थिएटर ग्रुप। Can we hear a round of applause for them, ladies and gentlemen?